हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी क्लास ट्वेल्थ के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ट्वेंटी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस इज फाइव द माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन द सर्टेन ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज ऑब्जर्व टू बी फोर्टीन सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन इज ट्वेंटी सेंटीमीटर कैलकुलेट लेंथ ऑफ सबसे पहले छोटा जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसे नोट करते हैं पहले तो देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारे पास और एक आई लेंस है जैसा कि जानते हैं कि आई लेंस का अपरचर

ये लेंस का फर्स्ट फोकस हो गया इसे स्लाइटली अवे रखते हैं ऑब्जेक्ट को ये ठीक है एक ऑब्जेक्ट है आपका ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है ठीक है अब हमसे एक चीज हमें रखी है टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप अब यहां गड़बड़ है ये देखो जब हम टोटल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं टेलीस्कोप की वो तीन सिचुएशन में होती है बेटा एक होती e. है मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू माइनस के वी ओ अपॉन यू ओ मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन यू ये ऑब्जेक्टिव लेंस का लीनियर मैग्नीफिकेशन है इसीलिए इसको ऐसे भी ले देते हैं कैपिटल एम बराबर एमओ और एमओ क्या चीज है लीनियर मैग्नीफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड बाई ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है ये एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस इसमें जो लेंस होता है वो लीनियर ऑब्जिकेशन करता है और आई लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह से काम करता है दैट एंगुलर करता है तो ये तो लीनियर एंगुलर लीनियर एंग्निफिकेशन होगा ऑब्जिक लेंस का और ये हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन आई लेंस का तो ऐसे भी लिख देते हैं लेकिन ये तब होता है जब आपकी जो फाइनल इमेज है वो लाई करती है फाइनल इमेज लाई बिटवीन पहले मैं फॉर्मूला फोकस करा रहा हूं फिर क्वेश्चन करेंगे ठीक है फाइनल इमेज लाइज बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट के बीच बीच बिटवीन बने तो हमें जो फाइनल इमेज होगी वो क्लियरली विजल होगी और साइज उसका इंटरमीडिएट होगा दैट मीन मैग्निफाइंग पावर इंटरमीडिएट होगी ये फॉर्मूला होता है बेटा इसको हम ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं अब इसका दूसरा केस होता है अगर फाइनल इमेज जो है आपकी डी डिस्टेंस पर बने मतलब नियर पॉइंट पर बने तो उस समय वो जो इमेज होगी वो हमें क्लियरली विजिबल होगी और सबसे बड़ी दिखेगी दैट मीन्स उसकी मैक्स मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगी तो जब फाइनल इमेज डी दूरी पर बनती है तब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है बेटा और उसका फॉर्मुला होता है माइनस के ओ अपॉन यू ओ और मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस डी अपॉन एफ अभी भी इसमें ये तो लीनियर लीनियर मैग्निफिकेशन होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का और ये आई लेंस का एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन ये वाला आप ध्यान से देखिए ये सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मुला दिखाई देगा आपको मैग्नीफाइंग uh, पावर का मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का ये तब होता है जब फाइनल इमेज डी दूरी पर बने नियर पॉइंट पर बने ठीक तीसरा केस होता है जब आपकी फाइनल इमेज इन्फिटी बने इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट या इसी को रिलैक्स्ड आई भी बोलते हैं रिलैक्स आई अगर फाइनल इमेज इन्फिटी होती है तो उस पोजीशन का नाम होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट दोनों की जो पोजीशन होगी उसको नॉर्मल डिस्पेंट बोला जाता है और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फार पॉइंट पर फार पॉइंट पर फाइनल इमेज बन रही है इस समय वो क्लियरली विजिबल तो होगी लेकिन सबसे छोटी दिखाई देगी क्लियरली विजिबल और सबसे छोटी दैट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम होगा माइनस के वीओ अपॉन यू ओ मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन एफ अच्छा ये आपका फॉर्मूले होते हैं बेटा मैग्नीफाइंग पावर के अब बताओ मेरे को आप इनमें से मैं मैग्नीफाइंग पावर जो दे रखी है इसने टोटल मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ट्वेंटी ये टोटल मैग्नीफाइंग पावर तो है कौन सी वाली है मैक्सिमम है मिनिमम है कौन सी है इंटरमीडिएट है कौन सी है कोई जानकारी दिए कोई जानकारी नहीं क्वेश्चन में जब कोई जानकारी ना हो तो हम हमेशा फाइनल इमेज को डी दूरी पर बना लेते हैं जब कोई जानकारी दे फाइनल इमेज की तो डी दूरी पर बना लो क्यों क्योंकि और हमारा यही होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कि बड़ी देखना है और क्लियरली देखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइडी करके तो इमेज देखनी है हमें तो इसीलिए नियर पॉइंट वाला केस ले लेते हैं इसीलिए इसमें जो कैपिटल है ट्वेंटी यहां पर वो मेरे को मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर वाला दे रखा है ट्वेंटी ठीक है तो एक डाटा हमारे पास ये दे रखा है, है पेपर में यहां से शुरू करना है तो यहां पर मैं शुरू करूं तो ट्वेंटी माइनस के और दूसरी बात जितनी भी मैग्नीफाइंग पावर के मैंने फॉर्मुले लिखे हैं इसमें किसी में भी साइन नहीं पुट करते मैग्नीफाइंग पावर वाले फॉर्मूले में किसी का भी साइन पुट नहीं करते विदाउट साइन लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर वाले में केवल मैग्नीफाइंग पावर वाली बात कर रहा हूं विदाउट साइनपुट करना है किसी की भी जो हमें डाटा दे रखा है उसके हिसाब से अच्छा आगे चल द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस आई लेंस इज फाइव तो देखो मैग्निफिकेशन करता है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन रखा है लेंस का दैट मींस

ऑफ ट्वेंटी वैसे नॉर्मल आई के लिए ट्वेंटी फाइव मानते हैं बट गि हो तो जो दे रखा है वो अलग अलग पर्सन के लिए ये डी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है तो यहां ट्वेंटी दे रखी है हमें कैपिटल डी सेंटीमीटर तो मैं ट्वेंटी रख लेता हूँ ट्वेंटी अपॉन एफ ई तो देखो यहां से सॉल्व करके आई लेंस की फोकोलग निकल जाएगी जो हमसे पूछा है है ना तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो देखो फाइव को इधर ले लिया एक को इधर ले लिया तो फोर हो गया और ट्वेंटी बाई एफ ई से कट गया फाइव बार तो एफ ई की वैल्यू आ गई फाइव सेंटीमीटर एक आंसर तो यही हो गया कि लेंस लेंस की की फोकल फोकल लेंथ लेंथ आई है ये अब मेरे को ऑब्जेक्ट भी निकालनी लेकिन उसके लिए तो कोई डाटा दिया नहीं है यू ओ ये ऑब्जेक्ट है ये पता नहीं इसकी इमेज जो है वो इधर बनेगी रियल और थोड़ी सी मैग्नीफाइड होगी क्योंकि एफ और टू एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बड़ी बनती है और रियल होती है और इनवर्टेड होती है ए डैस इसको मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस को अब ये जो है इसके लिए किसका काम करता है ऑब्जेक्ट का काम करता है इसलिए यूई और ये आई लेंस और फोकस के बीच में बनाना चाहिए बेटा क्योंकि हमारी आंख यहां होती है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो लेंस और फोकस के बीच में मैं इस लेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये दोनों ये इमेज सॉरी एडेस डेस, इस आई लेंस आईलैंड लेंस और फोकस के बीच में आ जाए लेंस को एडजस्ट करते हैं इस तरह से ठीक है कर ली अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका आई और आईलैंड के फोकस के बीच में हो तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है और मैग्नीफाइड बनाता है है तो ये ए डबल डबल इमेज है और ये डबल डबल डैश डैश इमेज और इससे दूरी मैग्नी बना ली मैंने सर बोला तो है नहीं डी में तभी तो मैंने बोला जब बोला नहीं तब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ले लेते हैं तो डी दूरी पर बना लिया मैंने ठीक है तो ये देखो ये वीओ है और ये यू है तो एल कितना होगा सोच के बताओ VO को और यू को ऐड करके ही तो एल आएगा देखो वी और यू को ऐड करके एल आएगा दोनों लेंसों के बीच की सेपरेशन जो कि हमें फोर्टीन सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है इसीलिए यहां पर अगर मैं एल की वैल्यू फोर्टीन सेंटीमीटर पुट कर दूल इज इक्वल टू वीओ का मॉडुलस और यू का मॉडुलस मॉडुलस ऐसे लगा क्योंकि तो यहां पर साइन नहीं रखना है सोचो इन दोनों को एड ही तो करना है यार तो साइन नहीं रखते इसमें कभी भी एल वाले में एल की वैल्यू तो फोर्टी Vo की वैल्यू हमें पता नहीं है और यू की वैल्यू भी हमें पता नहीं है तो ये नंबर दो हो गई, है ना Vo भी नहीं पता यू भी नहीं पता लेकिन मैं यू कैलकुलेट कर सकता हूँ कैसे क्योंकि मेरे पास एफ E है और मेरे पास E भी है तो लेंस फॉर्मर लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूई की वैल्यू और यू निकले आए ना तो वी निकले आएगा है ना तो कैसे करें भाई तो करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर मैंने टू कह दिया है। तो पहले मैं यू ही कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर आई लेंस के लिए किसके लिए आई लेंस के लिए तो आई लेंस के लिए एफ ही तो मैंने निकाल लिया है फाइव सेंटीमीटर है और यू ही मेरे को निकालना है और वी ई मेरे को मालूम है माइनस के ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर केवल मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले में साइन नहीं पुट करना एल के फॉर्मूले में साइन नहीं पुट करना बाकी वैसे करेंगे जो वैल्यू निकालनी होती है कुछ और मित्र ऐसे करेंगे डी तो दूरी पर बनना है डी ट्वेंटी है।, है ना ट्वेंटी सेंटीमीटर अब कर लो वन अपॉन लेंस फॉर्मर लगा लो वन अपॉन एफ वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन यू ई एथी की वैल्यू फाइव वी की वैल्यू माइनस के ट्वेंटी और यू ई निकालना इसलिए साइन पुट नहीं करेंगे इसको दल लिया वन अपॉन यू ई प्लस का हो गया माइनस के वन अपॉन ट्वेंटी एन माइनस के फाइव तो यहां से ट्वेंटी एच एम ले लिया माइनस एक माइनस के फोर माइनस के फाइव बाई ट्वेंटी तो ये फाइव से कट गया फोर बार तो यू आ गया माइनस के फोर सेंटीमीटर ये देखो अगर यू निकले आया तो यहां पुट करके मैं वीओ निकाल सकता हूं फ्रॉमेशन का मॉडलस प्लस यू का modulus. तो ये तो फोर्टीन है वीओ का मॉडुलस निकले आएगा यहाँ से यू रखा है फोर केवल मॉडुलस पुट करना है तो इसको दल लेके आएंगे तो वीओ आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर देखो वी ओ निकल आएगा लेकिन मेरे को वी ओ नहीं निकालना है एफ निकालना है तो यू ओ भी नहीं पता दो अनोन है अभी भी कितने हैं दो एफ ओ और यू ओ लेकिन मेरे पास एक इक्वेशन और है ये वाली फर्स्ट अभी मैंने इसका यूज नहीं किया इसका और यूज कर लू तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 20 इक्वल टू एंड वन प्लस डी देखो ये ट्वेंटी है और ये वी की वैल्यू टेन निकाल लिए साइन नहीं रखा यू की वैल्यू निकालनी है और ये वाली वैल्यू फाइव दे रखी थी हमें देखो ये वाली पूरी वैल्यू दिख रही है ये वाली फाइव वैसे भी सॉल्व करो ये ट्वेंटी है और ये फाइव है तो फाइव से कट गया फोर बार फोर और एक फाइव तो ये पूरी वैल्यू हमें फाइव दे रखी है बेटा देख रखिए वन प्लस डी अपॉन है ना तो ये फाइव हो गई ये यू है कन्फ्यूज मत करना फोर्टी नहीं है यू ओ है देखो टेन से टू बार तो इसको दल लिया है और इसको नीचे तो U O इज इक्वल टू माइनस के फाइव बाई टू सेंटीमीटर देखो यू ओ निकल लेकिन U O नहीं निकालना F O निकालना है तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर मैं फॉर्मुला लगा दू लेंस फॉर्मूला वन अपॉन वी ओ माइनस वन अपॉन यू ओ तो एफ ओ हमें क्वेश्चन में निकालना है वी ओ हमें पता है लेकिन देखो वीओ पॉजिटिव हो इसमें साइन रखना है तो पॉजिटिव है व्यू और निकल के भी हमारा व्यू पॉजिटिव ही आ रहा है दस और यू ओ माइनस का होना चाहिए इंसिडेंट रहोज दस में मेजर करेंगे ना? तो का बाई टू, तो प्लस आ जाएगा यहां पर फोर हो गया तो फाइव बाई टेन दैट मीनस टू तो एफ ओ आ गया टू सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर हो गई तो एक आंसर तो ये हो गया और आई की फोकल लेंथ पांच सेंटीमीटर हो गई एक आंसर ये हो गया इसको अजम्पन से मत करना बेटा कि वो अजम्पन ले लेते ना कि बराबर बराबर और वी है। वो तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आपका ये ना कह दे कि जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेंस के फर्स्ट फोकस के वेरी क्लोज है जब फर्स्ट फोकस के ये ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज होगा तब यू इक्वल टू एफ ओ लेकिन उसे आंसर नियरली इक्वल आते हैं जब जब क्वेश्चन में डाटा ये गिवन ही नहीं है तब तक उसे यूज नहीं कर सकते इसी तरीके से करना होगा अब इस क्वेश्चन में दो पॉइंट हैं इसे बताना चाहिए था कि फाइनल इमेज कहां रही है उसी के हिसाब से मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मला लगा सकते हैं तीनों फॉर्मले को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए मैग्नीफाइंग पावर के किसी भी फॉर्मुले में साइन पुट नहीं करना बाकी के कोई भी अदर फॉर्मुला यूज करते हो तो विद साइन लिखेंगे जो वैल्यू गिवन है उनका विद वैल्यू विद साइन और जो वैल्यू गिवन नहीं है उनका विदाउट साइन पढ़ते रहिए और खुश रहिए थैंक यू